जानते ही हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री इस वक्त काफी ज्यादा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हो रहा है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऐसे तमाम बड़े दिग्गज कलाकार हैं जिनका राजनीति की ओर काफी ज्यादा रुझान बढ़ा है। युवा कलाकारों का भी रुझान धीरे धीरे राजनीति की ओर बढ़ रहा है। गोविंदा से लेकर उर्मिला मातोंडकर से लेकर मिथुन चक्रवर्ती से लेकर जया बच्चन, हेमा मालिनी से लेकर देखा जाए तो राज बब्बर, जया प्रदा तक, ये सब काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं खास तौर पर राजनीति से। सनी देओल भी लोकसभा चुनाव के बाद राजनीति से जुड़े। ऐसे में राजनीति में जुड़ने वाले सितारों के बीच हम बात करने वाले हैं आज हमारे इस शो में दो बड़ी दिग्गज अभिनेत्रियों की जमकर होने वाली भिड़ंत के बारे में। जी हां, आप समझ गए होंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर दिखने वाली है रोड शो और रैलियों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए उनके समर्थन पर जनता को संबोधित करते हुए हेमा मालिनी, क्योंकि मथुरा से सांसद हेमा मालिनी पिछले कई सालों से अपने कार्यभार को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रही हैं, संभाल रही हैं और अपने संसदीय क्षेत्र में काफी ज्यादा सक्रिय रहने वाली हेमा मालिनी का राजनीति सफर जो बेहद बेमिसाल पिछले 20 साल आसपास में काफी शानदार रहे हैं, वो हेमा मालिनी अपने तजुर्बे के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर जरूर देखेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव में। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे उनकी भिड़ंत कितनी ज्यादा मुमकिन है और कितनी कम इनकी भिड़ंत जो है जया बच्चन के साथ आमना सामना होकर नहीं दिखेगी। सारी बातें आप जानेंगे क्योंकि जया बच्चन भले ही अभी तक विधानसभा चुनाव लड़ती हुई नजर नहीं आई हो, समाजवादी पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक तो जया बच्चन है ही, ये तो आप जानते ही हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि कैसे वेस्ट बंगाल चुनाव के दौरान, जी हाँ, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के दौरान, पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान रोड शो और रैली करती हुई जया बच्चन काफी सक्रिय थी। राजनीति को लेकर पिछले कुछ समय में फिर जया बच्चन सक्रिय हैं। विधानसभा उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सीएम योगी को लेकर तंज भी कस चुकी हैं जया बच्चन कि सीएम योगी डर गए हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव से। जब सपा के नेताओं को टारगेट किया गया, छापेमारी से जुड़ी कई बातें सामने लाई गई, अब वही जया बच्चन जो कि संसद भवन में हाल ही में काफी हंगामा करती नजर आई, सरकार पर निशाना साधती नजर आई, सरकार को लेकर उन्होंने कहा आई कर्स यू, जया बच्चन कितना ज्यादा हेमा मालिनी के सामने समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक बनकर सीएम योगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल उनके खिलाफ खड़े होकर हंगामा मचाएंगी, किस तरह वो हंगामा मचाती भी नजर आई है। सारी बातें आज हम जानेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए जो हम आपके बीच प्रेजेंट करने वाले हैं बहुत जल्द। तो दोस्तों, आप सभी का समय बिना वजह व्यर्थ किए जाने के बजाय हम आपको ले चलेंगे पूरी तरह से रिपोर्ट की तरफ, व्यर्थ नहीं करेंगे हम आपका समय और ले चलेंगे जया बच्चन हेमा मालिनी को लेकर आई तमाम खबरों के बारे में जो कि उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। इसमें कोई शक नहीं कि वाकई में जिस तरह से तेजी से हेमा मालिनी और जया बच्चन अपने शो को लेकर, अपने रोड शोज को लेकर तैयारी करेंगी, उतनी ही ज़्यादा वो अपनी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाएंगी। लेकिन किस तरह से अपने काम में व्यस्त हैं ये, और जो हेमा मालिनी और जया बच्चन एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा अच्छी दोस्त बनी रही आज तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में, वो इस तरह से राजनेता बनने के बाद देखा जाए तो यहाँ पर राजनीति में आने के बाद एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ रही है। यूपी इलेक्शन 2020 जो कि योगी आदित्यनाथ के लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी जो है योगी आदित्यनाथ के लीडरशिप के लिए लड़ने वाली है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है हेमा मालिनी, उनकी बात की जाए तो हेमा मालिनी के बारे में क्या कहा जा रहा है वो आप जानते ही हैं। हेमा मालिनी ने कहा उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 जो है योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप के अंदर ही लड़ा जाएगा, ये उन्होंने कहा। यानी कि योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने में कोई कमी नहीं रखेंगी हेमा मालिनी। उत्तर प्रदेश में जो डेवलपमेंट है पिछले 4 सालों में उसे लेकर हेमा मालिनी ने कहा बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश की उन्नति को लेकर काम किया है। साल 2022 में जो कि कंटेस्ट होंगी पार्टी की,
असेंबली पोल्स स्टेट असेंबली पोल्स को लेकर वो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के लीडरशिप में होंगे। उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो उन्होंने भी स्टेट को लेकर कहा, नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर विल बी डिसाइडेड बाय बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप आफ्टर द असेंबली पोल। यानी कि कौन होगा वो नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर वो तो डिसाइड किया जाएगा, लेकिन आपको बता दें स्टेट यूनिट प्रेसिडेंट स्वतंत्र देव सिंह जो बीजेपी के हैं उन्होंने पहले ही कहा था जो पोल्स होंगे वो कंटेस्टेड करेंगे आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी की लीडरशिप में। ऐसे में आपको बता दें वेटेरियन बॉलीवुड एक्टर और पॉलिटिशियन हेमा मालिनी ने कहा है द नेक्स्ट उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन वुड बी कंटेस्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने बहुत शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश की उन्नति की ओर काम किया है 4 सालों में, और इसलिए उनको हमेशा आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा और हमें उन पर पूरा भरोसा है। और भी सजेशंस लोगों को दिए हैं हेमा मालिनी ने, उन्होंने कहा वैक्सीनेटेड होने के लिए सभी लोगों को COVID-19 के अगेंस्ट। सरकार ने तमाम तरह के प्रिपरेशंस किए हैं एंटीसिपेटेड थर्ड वेव जो वायरस का है उसे टैकल करने के लिए। हेमा मालिनी ने कहा है कि चुनाव पर प्रभाव नहीं पड़ने देना है, इसलिए पूरी तरह से तैयारी की जाएगी कि लोगों को नुकसान ना हो। अब ऐसे में बेस्ट प्रिवेंटिव मेडिसिन इस वक्त ये है कि वैक्सीनेशन लिया जाए, तो मतलब तैयारियां खास है लोगों को इस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर अपील करने वाली हेमा मालिनी ने इस तरह से सीरियसली लोगों को लेने के लिए कोरोना वायरस के थर्ड वेव को भी कहा है, वो इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट ने एक्सप्रेस किया है अप्रिहेंशन। और ऐसे में काफ़ी सफ़र हमने दूसरी लहर में किया है लोगों की लापरवाही की वजह से। मथुरा के MP ने तो ये कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ नहीं है, वैक्सीनेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर। यहाँ आप सबको हम बताना चाहेंगे कि जया बच्चन ने भी तमाम तरह से यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया, जिससे कहीं ना कहीं जया बच्चन को भी उन्होंने निशाने पर लिया है ये कहा जा रहा है। चलिए आपको बता दें हमारी इस खास रिपोर्ट में किस तरह से टारगेट करती हुई नजर आई है जया बच्चन। जी हाँ, जया बच्चन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जया बच्चन का को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आई थी। टॉन्ट किया गया था ऐश्वर्या राय बच्चन को जब पनामा पेपर लीक केस में ED के ऑफिस में राजधानी दिल्ली पहुंचना पड़ा था। इसके बाद जो है ऐश्वर्या को टॉन्ट किया गया, जया बच्चन को टॉन्ट किया गया संसद भवन में, और जया इतना भड़की कि बीजेपी को लेकर उन्होंने गुस्सा जाहिर किया। जया बच्चन ने कर्ज किया बीजेपी को, उन्होंने कहा पर्सनल रिमार्क मेरे खिलाफ लगाया गया है। समाजवादी पार्टी की जया बच्चन ने गुस्से में कहा बीजेपी को लेकर, रूलिंग पार्टी बीजेपी को लेकर, कि बहुत बुरे दिन इनके भी आएंगे। जया बच्चन ने आगे ये भी कहा कि बहुत बुरे दिन तो आएंगे ही, साथ ही साथ आप सबको सबक सिखाया जाएगा। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने एक दूसरे पर भड़कना शुरू किया है सपा के साथ, और क्रूशियल इलेक्शन जो है उत्तर प्रदेश में से लेकर जो है काफ़ी गुस्सा सामने आया ऐश्वर्या राय बच्चन के वहां पर ED में पूछताछ के मामले में, जिस तरह के पनामा पेपर लीक केस में उन्हें लिंक किया गया था। इसके बाद जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था, और ऐसे में आपको बताना चाहेंगे जया बच्चन का कहना था कि सेंट्रल जो है उन लीडर्स को टारगेट कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल वेदांता की वजह से और भारतीय जनता पार्टी को लेकर जया बच्चन ने कहा। इनफैक्ट अखिलेश यादव ने भी यही बात कही थी। तो आपको बता दें जया बच्चन ने जिस तरह के हंगामे किए इस पर हेमा मालिनी चुप रही। हेमा मालिनी जो है जया बच्चन के सपोर्ट में नजर नहीं आई जब जया बच्चन का गुस्सा सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करता नजर आया, इस तरह से हंगामा बढ़ता रहा। तो आप सब ने विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर हेमा मालिनी और जया बच्चन की तैयारियों के बारे में जाना, उनसे जुड़ी तमाम रिपोर्ट्स क्या कहती है ये भी आपने सुना। अब वक्त हो चला है आपसे यहीं पर इजाजत लेने का। ऐसी तमाम खबरों के लिए और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।